क्रियाकलाप दो। आप एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकें। इसके लिए आपको बल लगाना पड़ता है। ऊपर की ओर गति करती हुई गेंद पर लगातार गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जो उसकी गति की दिशा के विपरीत है। सोचें और बताएं कि पहला, ऊपर जाती हुई गेंद पर किस बल द्वारा धनात्मक कार्य किया गया? दूसरा, ऊपर जाती हुई गेंद पर किस बल द्वारा ऋणात्मक कार्य किया गया? तीसरा, आप अपने उत्तर को कारण देकर स्पष्ट करें। एक विद्यार्थी M द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में H ऊंचाई पर उठाकर क्षैतिज दिशा में एक समान गति से D दूरी तक चलती है। चित्र क्रमांक 8। उपरोक्त स्थिति में विद्यार्थी द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। M द्रव्यमान के बॉक्स को H ऊंचाई तक उठाने में विद्यार्थी द्वारा लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य W is equal to mgh, फॉर्मूला 1। यहाँ बल तथा विस्थापन की दिशा समान है। जब विद्यार्थी बॉक्स को उठाकर क्षैतिज दिशा में चल रही है और उसके चलने की गति समान है, तो बॉक्स का त्वरण a शून्य है। अतः इस दिशा में बॉक्स पर लग रहा बल शून्य होगा और बॉक्स पर विद्यार्थी द्वारा किया गया कार्य W is equal to 0, फॉर्मूला 2।